हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, हम किसी भी ब्राउजर से गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री को सेव कर लेता है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकें, और ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। लेकिन जब हमें पिछली सेव्ड हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं रहता, या हम अपनी सर्चिंग हिस्ट्री किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो हमें सर्चिंग हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि हम अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकें। और गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने का तरीका भी बहुत आसान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप ऊपर 3 डॉट्स देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आपने उस पर क्लिक करना है। के सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, आपने दो वाले ऑप्शंस जो हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़ एंड साइट डेटा को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है लास्ट 4 वीक्स हो, 7 डेज हो, या लास्ट आवर हो, आपने ऑल टाइम रखना है। और उसके बाद आपने सिंपली क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक कैंसिल का और क्लियर का, आपने क्लियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है प्लीज़ वेट क्लियरिंग ब्राउजिंग डेटा। तो उसके बाद आप जैसे ही बैक जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अब कोई भी जो है गूगल सर्च जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।